देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फुटपाथ बन गए हैं इनके जागीर, अतिक्रमणकारियों की चल रही दादागिरी। हादसे को आमंत्रित करती बसें, जाति जनगणना पर नीतीश खाली हाथ। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिटी में बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों के अलावा अब तो अंदरूनी चौड़ी सड़कों पर भी अतिक्रमणकारियों ने फुटपाथों को अपनी जागीर समझ ली है। जहां देखो वहां फुटपाथ इन्हीं के कब्जे में नजर आ रहा है। कई इलाकों में अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते के भय से ये लोग माल परिवहन गाड़ियों में अपना सामान बेचने के लिए फुटपाथ पर वाहन चढ़ा कर कब्जा करते हैं और दस्ते के आते ही रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन दस्ते के जाने के बाद दुकानें फुटपाथ पर पुनः सज जाती हैं। महल परिसर में बड़कस चौक से लेकर जो रोड गंगाबाई घाट तक जाता है उस पूरे रोड पर अतिक्रमणकारियों ने फुटपाथ ही नहीं कई जगहों पर आधी सड़क को भी निगल रखा है। बाजार परिसर से लगा होने के कारण इस रोड को अतिक्रमणकारियों ने ही दैनिक बाजार बना रखा है। दूसरी खबर, शहर में हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ट्रैफिक विभाग व आरटीओ द्वारा ट्रैफिक नियमों के बारे में जन जागृति लाने के लिए किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। बावजूद इसके शहर में आज भी एसटी की बसें, स्टार बस और निजी ट्रैवल की बसों के चालक बीच सड़क पर ही या चौराहों पर बसें खड़ी कर सवारियां उतारने और चढ़ाने का काम करते हैं। उनके द्वारा सड़क के बीचों बीच बसें खड़ी कर देने से दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। उन चौराहों पर जहाँ ट्रैफिक कर्मी तैनात रहते हैं उनके सामने भी ये बसें सड़क के बीच से सवारियां भरती हैं। ऐसी बसों के खिलाफ अब तक संबंधित विभागों द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। तीसरी खबर, देश विशेषता बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घमासान छिड़ने वाले हैं और इसमें उल्लेखनीय यह है कि बिहार भाजपा भी दूसरे दलों के साथ एक मुद्दे पर एकजुट है। बिहार के मुख्यमंत्री व नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सोमवार को भाजपा नेता और सरकार में मंत्री जनक राम। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लाइक इन हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात, देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ, हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात, आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात मेरे साथ। मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे